नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट घोटाला मामले में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की संपत्ति सीज कर दी है। ईडी की ओर से जेके क्रिकेट एसोसिएशन के फंड घोटाले में फारूक अब्दुल्ला के दो घर, 3 फ्लैट और 1 प्रॉपर्टी अटैच की गई है। इसकी कीमत बाजार में करीब 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की जेके क्रिकेट एसोसिएशन के फंड घोटाले में ईडी की ओर से जो संपत्ति सीज की गई है उसमें 1 प्रॉपर्टी श्रीनगर के गुपकार रोड पर मौजूद है, जबकि तनमार्ग के कटीपोरा तहसील और जम्मू के भाटिंडी में 1 प्रॉपर्टी शामिल है। इसके अलावा श्रीनगर के रेसिडेंसी रोड इलाके में 1 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी है। कुल कीमत 11,86,00,000 रुपए की बताई जा रही है। इससे पहले जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड में हुए कथित हेराफेरी के मामले में अक्टूबर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर गए थे। ईडी की ओर से पूछताछ के लिए नोटिस जारी होने के बाद फारूक दफ्तर गए। हालांकि ईडी के नोटिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि यह आवाज दबाने की कोशिश है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।